दोस्तों नमस्कार। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इनपुट काम कैसे करता है और किन किन रोबोटों में काम करता है ये। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं कि इनपुट कैसे काम करता है। तो देखो दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका है सीखने का, करना क्या है, सीधे से जाना है, यहाँ को जाना है इन आउट में, यहाँ यूनिवर्सल इनपुट में चला जाना है आपको। और यहाँ से दोस्तों आप क्या है अपने इनपुट चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर की, तो अगर आपको मालूम ना हो तो यहाँ चेक कर सकते हैं। वैसे या तो क्या है, तो रोबोट नया जब कहीं हम स्टार्ट करते हैं, जब बैठता है हमारा रोबोट तो हमें क्या है पीएलसी वाला बताता है। तो दोस्तों आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, मैं देखो आप इस तरह देख सकते हैं कि यहाँ नंबरिंग है, 1 2 3 4 सारी नंबरिंग है। इससे आगे जाने के लिए यहाँ देखो गो बैक का एक बटन रहता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो आप उसको दबा कर अगले भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों करना क्या है, मैं सीधे से अब जैसे हमारा कोई प्रोग्राम है, ये मैंने एक प्रोग्राम खोल लिया है रोबोट एक्स, तो मुझे यहाँ कोई इनपुट ऑन करानी है। तो मुझे क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा तरीका है, मुझे इन्फॉर्मेशन लिस्ट में जाना है, एक इन्फॉर्मेशन लिस्ट का बटन रहता है, मैं आपको बताता हूँ हर बार ये वाला। तो इन्फॉर्मेशन लिस्ट में जाना है, क्लिक कर लेना है। अब देखो इधर आ रहे हैं, इनआउट आ रहा है, इधर इनआउट करना है आपको। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ डी आउट आ रहा है। तो यहाँ दोस्तों आपका डी आउट डाल लेंगे आप इस तरह से, किसी भी इनपुट को ऑन कराने के लिए। और जब उसको ऑफ कराना हो तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, प्रोग्राम में लास्ट में चला जाना है और फिर से डी आउट डाल देना। बस दोस्तों फर्क इतना रहेगा, आपको लास्ट में ऑफ करा देना है और स्टार्टिंग में ऑन रखना है। ऑफ कराने के लिए दोस्तों आपको इंटर करना पड़ेगा, ठीक है, बताता हूँ आपको। अब दोस्तों आपको करना क्या है, देखो अब रोबोट बहुत सारे तरीके के रहते हैं। कोई रोबोट रहता है जिसमें इनपुट को लिए हम लॉजिक क्लीनर का यूज़ करते हैं, कुछ में टिप डिस्पेंसर का यूज़ करते हैं, कुछ रोबोट रहते हैं जो पेंट करते हैं उसमें यूज़ करते हैं, कुछ डी क्लैंप के लिए यूज़ करते हैं। तो इनपुट क्या दोस्तों अलग अलग ढंग से काम करती है, और चाहे वो कुछ भी कंपनी का रोबोट हो, कोई सा भी रोबोट हो, सब में इनपुट की काम रहता है। क्योंकि जिस रोबोट में इनपुट का काम नहीं होगा वो रोबोट काम नहीं करेगा, क्योंकि इनपुट का यूज़ करते हैं हम वहाँ पर। तो दोस्तों जैसे क्या है आपका, अगर कोई एक नंबर है क्लैंप का तो यहाँ एक नंबर डालेंगे आप, दो नंबर है तो दो नंबर डालेंगे। इस तरह से आप यहाँ काउंटिंग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इनपुट का क्या है दोस्तों, पीएलसी वाले को के ऊपर डिपेंड करता है कितने नंबर की कौन सी इनपुट रखते हैं। तो दोस्तों चाहे कोई भी रोबोट हो, किसी भी कंपनी का रोबोट हो, बट मैटर उसमें करती है इनपुट। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, इस चीज़ से नहीं घबराना है आपको कि वो किस कंपनी का रोबोट है क्या होगा। कोई भी कंपनी का रोबोट हो सब में इनपुट का महत्व रहता है। तो आपको दोस्तों यही करना है, सीधे से इनपुट ऑन करा देनी है और ऑफ करा देनी है। अगर दोस्तों आपको पता नहीं है तो आपको सीधे से जाना है इनआउट में, यूनिवर्सल इनपुट में, वहाँ जाके चेक कर लेना है किस नंबर की इनपुट है, क्या काम कर रही है। और जिस काम को आपको कराना है वो इनपुट का नंबर सीधे यहाँ डाल देना है दोस्तों, आप सीधे से यहाँ डाल देंगे नंबर। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैंने यहाँ एक नंबर है तो मैं यहाँ 5 नंबर कर सकता हूँ। और यहाँ नीचे भी लास्ट में क्या करना है, हमें यहाँ भी 5 कर देना है। तो मेरा क्या है, 5 नंबर की जो मेरी इनपुट है वो क्या है, ये 2-3 पॉइंट के बाद ऑफ हो जाएगी, अपने आप ऑन हो जाएगी। तो ये क्या है, एयर पॉइंट पे हम जहाँ यूज करते हैं, जैसे कोई रोबोट होता है हमारा और उत्पाद उठा के दूसरी जगह रखता है, तब हम यहाँ एयर पॉइंट पर यूज़ करते हैं इनपुट ऑन ऑफ। और दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी प्रोग्राम में क्या होता है, अगर आप लोग रोबोट की मतलब जानकारी ले रहे हैं तो आपके पास रोबोट की थोड़ी नॉलेज भी होगी, नहीं है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो कभी कभी क्या लोग यहाँ बेट भी लगा देते हैं, यहाँ तो टाइमर भी लगा देते हैं, तो आप टाइमर भी लगा सकते हैं। यहाँ एक नंबर पर आप जाएंगे, एक नंबर यहाँ बटन होगा, आप देख सकते हो उस पर टाइमर लिखा होगा, फिर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ टाइमर लिखा है एक नंबर पे, वहाँ पर एक नंबर दबा लेना है, उसके बाद इंसर्ट और इंटर कर देना है।
आप देख सकते हैं यहाँ टाइमर आ गया है, तो आप चाहें तो टाइमर भी लगा सकते हैं यूज़ करने के लिए। अगर आपको कहीं वेट कराना है, रोबोट को लिए रोकना है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सिंगल रोबोट है तो आपका, डबल है तो आप वेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनपुट ऑन ऑफ के लिए हम डायोड का यूज़ करते हैं दोस्तों, और ये बहुत ही आसान तरीका है। यूज़ करने के अलग अलग तरीके रहते हैं। कोई रोबोट होता है कि हमारा पेंट करता है, कुछ ग्लेंडर करते हैं, बहुत सारे रोबोट हैं, कुछ कटिंग करते हैं, कुछ एयर प्रेशर का यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे रोबोट हैं, तो सब में इनपुट का ही महत्व रहता है। तो इसके लिए कुछ दोस्तों देख कर घबराएं ना, कि इसे देख कर ये ना सोचें कि इसमें कैसे होता होगा या अलग कंपनी का रोबोट है, मैं तो इसके बारे में जानता ही नहीं। इनपुट ऑन और ऑफ करानी है आपको, और कुछ नहीं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, नंबरिंग क्या रहेगी, प्रोग्राम क्या रहेगा, किस प्रोग्राम पर कहाँ यूज़ कर रहे हैं आपको, वो आप अपने डी एस सी के हिसाब से देख लें। बस इनपुट ऑन और ऑफ कैसे कराते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि मेरे दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, और दोस्तों आपको अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कुछ रह गया हो तो उसके बारे में सुझाव दीजिएगा कि आप और कुछ क्या सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।